one should file an RTI application. There's still some time, and ask for the development works which have been sanctioned and completed by GHMC, by Waterworks, by Transco, by Genco, by the Education Department, by the Temporaries Department. How many pensions have been given by the Hyderabad Collectorate? And put it in the public domain and then speak to me. हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में विकास गतिविधियां तेजी के साथ हो रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवेसी ने एआईएमआईएम के विधानसभा क्षेत्रों में जो नए सड़कों का जाल बिछा दिया, उसी प्रकार से चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में अनगिनत नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में शालीबंडा डिवीजन के शक्करगंज क्षेत्र में नई सड़क के निर्माण कार्य दो दिन के भीतर ही संपन्न हुए हैं। इस क्षेत्र की नई सड़क के निर्माण कार्य असदुद्दीन अवेसी के सफल प्रतिनिधित्व पर स्वीकृत हुए थे। ये कार्य एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली की उपस्थिति में संपन्न हो रहे हैं। ये नई सड़क के निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, इसकी कुल लागत 14 लाख रुपए है। क्षेत्रवासियों ने ये कार्यों के लिए असदुद्दीन अवेसी, अकबरुद्दीन अवेसी एवं जुल्फिकार अली का कोटि कोटि धन्यवाद किया। क्षेत्रवासी बोले, इस गली में नई सड़क के निर्माण कार्य होना संभव था, लेकिन असदुद्दीन अवेसी ने संभव बनाया। असदुद्दीन अवेसी ने हमारे निवेदन पर 14 लाख की कुल लागत से नई सड़क के निर्माण कार्य स्वीकृत करवाए और इस संबंध में अधिकारियों से बात की और विधायक जुल्फिकार अली को दिशा निर्देश दिए। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ये नई सड़क के निर्माण कार्य संपन्न करवाए। विधायक जुल्फिकार अली ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, तुरंत ही ये कार्य शुरू करवा दिए और ये कार्य संपन्न भी हो गए। एआईएमआईएम पार्टी जो कार्य करवा रही है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। उस प्रकार से कार्य एआईएमआईएम के विधानसभा क्षेत्रों में तेज गति के साथ हो रहे हैं। वहीं विधायक जुल्फिकार अली ने असदुद्दीन अवेसी के निर्देश पर सुल्तानशाही क्षेत्र में इलेक्ट्रिक नए पोल्स स्थापित करवाए, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रिक पोल्स क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को बेहद ही दिक्कतों का सामना था। लेकिन विधायक जुल्फिकार अली ने इलेक्ट्रिक विभाग में सफल प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद ये कार्य भी इस क्षेत्र में संपन्न हो गए। इस क्षेत्र में जो नए इलेक्ट्रिक पोल्स स्थापित हुए हैं, इससे बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों को राहत मिलेंगी और इस क्षेत्रवासियों ने भी असदुद्दीन अवेसी एवं जुल्फिकार अली का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।